यहाँ एक पार्टी और आई है जो सिर्फ हल्ला करता है, और हम काम में विश्वास रखते हैं, हम काम करते हैं, और हम लोगों का मिशन होगा कि हम लोग लोगों को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं, चाहे सियासत में हो या फिर राहत। ऑनलाइन मेंबरशिप में क्या होता है, जो भी आदमी एक मेंबर है हमारा रजिस्टर में, उसका नाम होता है, उसका आईडी प्रूफ होता है, उसका पूरा डिटेल्स उसमें ही होता है। इन बिहार द न्यू कमिटी इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेंबरशिप कैंपेन एंड दिस कमिटी विल यू नो ट्रैवल अक्रॉस द स्टेट एंड सी द पीपल। हम लोग अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में है IUML, तो अब तो ये हमारी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, क्योंकि अब यहाँ जो कांग्रेस के MP हैं डॉक्टर जावेद, तो वो अलायंस में हैं, तो यहाँ हम किशनगंज से कैंडिडेट से देने की पोजीशन में नहीं है। या हमारे जो बिहार इज द मेन स्टेट वेयर द बैकवर्ड कम्युनिटीज आर स्ट्रॉन्ग इन मेक ए क्रूशियल डिसीजन, सो हियर मुस्लिम लीग प्लान टू कैंपेन। प्लानिंग है, हम लोग डोर टू डोर हम लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम क्या है, क्या करना चाहते हैं, हम पूरे बिहार से है, कार्य किशनगंज से नहीं है, पूर्णिया से भी आदमी है, कटिहार से है, अरारिया से है, समस्तीपुर से है, पटना से है। किशनगंज शहर में किसी खास जगह पर मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से ये खास मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष मुख्तार आलम सहित पार्टी के कई जिम्मेदारों की मौजूदगी रही, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी पार्टी ने चर्चा किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्टी के कई जिम्मेदारों ने कई अहम जानकारियाँ सार्वजनिक किया है। पार्टी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूँ तो हमारी पार्टी इंडिया अलायंस में है और यहाँ से सेटिंग सांसद है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीग पार्टी का क्या दृष्टिकोण होगा, इसे तय करना आला कमान तय करेंगे, इसे शीर्ष नेतृत्व देखेंगे कि करना क्या है। बहरहाल मुस्लिम लीग पार्टी अब बिहार में अपनी सदस्यता अभियान जोरों पर चला रही है, पहले ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम लीग बड़े पैमाने पर बिहार में लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जब पार्टी के जिम्मेदारों से पूछा गया कि मुस्लिम लीग लगातार राहत कार्य इत्यादि चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बावजूद बिहार में पार्टी की कोई अपनी जनाधार नहीं है, इसके जवाब में जिम्मेदारों ने अपने अपने तरीके से बेहतर जवाब को प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और तमाम तर जिम्मेदारों ने, मुस्लिम लीग पार्टी के जिम्मेदारों ने जो बातें कही है उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने। हम आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा 2024 को देखते हुए तमाम तर पार्टियों ने अपनी सरगोशियों को तेज कर दिया है, और बेहतर तरीके से हर कोई अपने काम में जुटा हुआ है, हर कोई अपने जनाधार को बढ़ाने में जुटा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम लीग भी अब आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में कदम रख रही है, और आगे बढ़कर अपनी पार्टी विस्तार को लेकर चिंतन व मंथन का जो दौर है वो जारी हो चुका है। इसी सिलसिले में किशनगंज शहर की किसी खास जगह पर आज एक बेहतरीन मीटिंग जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी मौजूदगी हुई और तमाम लोगों से जो बातचीत हुई। हम चाहेंगे अभी के अंत तक बने रहकर तमाम बच्चों को जरूर यूनियन मुस्लिम लीग नई कमेटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? नया कमेटी आज हम लोग इधर बनाया है, ऑनलाइन मेंबरशिप अभी हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नेशनल लेवल में हर स्टेट में अभी हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप किया है। सब लोग पहले मेंबरशिप सब लिख के देता था, ये हम लोग बदली करके ऑनलाइन मेंबरशिप किया है। ऑनलाइन मेंबरशिप में क्या होता है, जो भी आदमी एक मेंबर है हमारा रजिस्टर में, उसका नाम होता है, उसका आईडी प्रूफ होता है, उसका पूरा डिटेल्स उसमें ही होता है, फिर हम लोग मालूम पड़ता है हमारा एक आदमी अभी वो बोलेगा हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेंबर है बोलेगा, तो कोई भी इंडिया में कोई भी स्टेट में हम लोग मालूम करते हैं हमारा जो ऑनलाइन का हमारा ये निकालेगा ना, मालूम पड़ेगा हाँ ये हमारा मेंबर है, इसलिए हम लोग को ऑनलाइन मेंबरशिप इधर भी किया है। आज वो मेंबरशिप का तरफ से नया कमेटी बनाया, और अभी ये कमेटी आगे से पार्टी को बहुत मजबूत बिहार में करने के लिए कोशिश में है।
कितने अभी पदाधिकारी किशनगंज में नई कमेटी में शामिल हुए? ये पूरा बिहार में नहीं, यहाँ अभी नई कमेटी, नया कमेटी में, कमेटी में कितना मेंबर है बोलते? दो कमेटी में, स्टेट कमेटी नहीं नहीं, ये अभी स्टेट कमेटी पूरे बिहार से है, कार्य किशनगंज से नहीं है। अच्छा, पूर्णिया से भी आदमी है, कटिहार से है, अरारिय से है, समस्तीपुर से है, पटना से है, बागलपुर से है, हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी। टोटल कितने लोग? टोटल अभी हम लोग आज सर 11 आदमी। क्या क्या पद है? एक प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है, बाकी 4 वाइस प्रेसिडेंट है और 4 जॉइंट सेक्रेटरी से आज सेलेक्ट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। क्या मिशन है, किस तरीके से काम कीजिएगा बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां? ये तो हमारा लीडर सुबेर साहब बोलेगा, नईम अख्तर साहब बोलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें हम लोगों ने भी यहाँ से कैंडिडेट दिया था। इस बीच में बहुत सारे नशेब अफराद के साथ कुछ कमेटी में लोगों ने कुछ कमजोरी महसूस किया, और अभी तो चूँकि हम लोग अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में हैं IUML, तो अब तो ये हमारी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। क्योंकि अब यहाँ जो कांग्रेस के MP हैं डॉक्टर जावेद, वो अलायंस में हैं, तो यहाँ हम किशनगंज से कैंडिडेट से देने की पोजीशन में नहीं है, या हमारे जो लीडरशिप जो है जो फैसला करेगी हम लोग उसको ओबे करेंगे। पूरे बिहार में तो पहले हम लोग बहुत एजुकेशन में ज़्यादा फोकस देते हैं और राहत का काम करते हैं। यहाँ एक पार्टी और आई है जो सिर्फ हल्ला करता है, और हम काम में विश्वास रखते हैं, हम काम करते हैं, और हम लोगों का मिशन होगा कि हम लोग लोगों को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, चाहे सियासत में हो या फिर राहत के लाइन से हो। ये नई कमेटी से क्या लग रहा है कि पूरे बिहार में इसका विस्तार होगा मुस्लिम लीग का? इंशाल्लाह विस्तार क्या होगा, बहुत आगे जाएगी ये पार्टी। अभी क्या नाम हो गया? मनोहर आलम। किशनगंज में संगठन को किस तरह से लेवल पे मजबूत कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है हम लोगों का, अब डोर टू डोर हम लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम क्या है, क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे। ओप्रेस्ड कम्युनिटी, एस्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी एंड दलित कम्युनिटी, बिहार इज द मेन स्टेट वेयर द बैकवर्ड कम्युनिटीज वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू make a crucial decision. So here Muslim League plan to campaign all the state, all over the state, and make more members in the party, yeah, and stand with the secular team, not to divide the vote of the minority community, especially in Kishanganj, yeah, to defeat BJP and to defeat BJP JDU alliance. So our plan to strengthen the secular fabric by consolidating the votes of the minority community. Kerala, we had a model. We have 15 MLAs, we have 3 MPs, and we have 1 Rajya Sabha MP. And we were in the portfolio, especially in education. We had a chief minister in Kerala, 5 ministers in the last ministry. Now we are marching towards the India by the part of India Gathbandhan. And now in Bihar, the new committee is formed after the membership campaign. And this committee will, travel across the state and see the people and campaign the ideology and make the minority committee together to stand with the secular formation. Yeah. Okay, bye.